मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के भाईखल्ला इलाके में बुधवार की सुबह एक दो मंजिला इमारत की दुकान में आग लगने के बाद पास की इमारत से कम 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भाईखल्ला पश्चिम इलाके में सांकली स्ट्रीट स्थित दुकान में सुबह करीब 7:20 पर आग लगी, लेकिन ये घटना में फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग का विकराल रूप और आसमानों में काले धुएं का गुंबार और आग की ऊंची ऊंची लपटें। अधिकारी के मुताबिक आग से दुकान में रखे जूते, चमड़े का सामान, कपड़े और घरेलू सामान के अलावा बिजली के तार और बोर्ड जलकर खाक हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि आग लगने की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने दमकल की कम से कम 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा। अधिकारी के अनुसार घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बगल की 2 मंजिला इमारत में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। आपको बता दें कि मुंबई के भाईखल्ला इलाके में आज सुबह ये आग की घटना सामने आई थी, जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये भयानक आग जो ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, ये आज सुबह के वक्त की है। सैफी बकेट बैग फैक्ट्री में आग लगी है। सैफी बकेट ये आपका जुबली कंपाउंड। हाँ,